एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब लोगों को मेरे चैनल पे सुस्वागतम। तो आज है गाड़ोई पूजा, बंगाली का है गाड़ोई पूजा, असमीज का है काती बिहू एंड बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं। सो ये वाला रिचुअल मैंने सुबह उठते ही देख लिया कि हमारी जो दादी अम्मा है, दादी ने पूरी तरह से पूजा पाठ कर लिया था। और ये जो पूजा होता है ये हमारे असम में बिहू, आई मीन जो कंगाली बिहू होता है उस नाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे सुबह उठ के देखो मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो गया, इसको तो हम असम में चोख नामना भी कहते हैं, जिसे चोख नामा कहते हैं, और यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या कहते हैं। तो छोड़ो इसका नाटक करते हुए, मैंने देखा कि दादी की पूरी तरह से पूजा हो चुकी थी। तो यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो मैंने ये सब पहली बार एक्सप्लोर किया क्योंकि मेरे घर पे हमारी दादी जाने के बाद किसी ने किया नहीं, तो पता नहीं। यहाँ पे देखो मैंने आँख की जो मेरी जो प्रॉब्लम है ना, पूरी तरह से बढ़ गई थी, क्योंकि काकी मुनि ने कहा था कि तेल नहीं लगाने के लिए, बट मैंने तेल लगा लिया था इसलिए शायद बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा डांस वांस किया, क्योंकि मेरा है ना डेली का डांस रूटीन है, क्योंकि मेरा बॉडी शेप मुझे बिगाड़ना है नहीं, दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो आज एंड्रेला के साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और बेसिकली मैं थोड़ा बिहू करती हूँ, क्योंकि बिहू करने से मेरा जो फिगर है बहुत सुंदर रहता है। और यहाँ पे देखो मेरी पतली कमर है, आय हाय। फिर हम लोगों ने कुछ मतलब हुक स्टेप्स किए, एक गाने के बहुत पुराना गाना है, मतलब आलिया भट्ट का है, पर अगर आप लोग गैस कर सको तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड देन काका भी निकल पड़े थे अपने काम के लिए, और काका यहाँ पे अंजिला को अपने कपड़े धो जाने के लिए दिए थे, पर अंजिला ने बेसिकली वो नहीं किया, काकी मुनि को करना पड़ा क्योंकि मुझे बड़े कपड़े धोने नहीं आते। तो उसके बाद काका को बाय बोलते हुए हम लोग सीधे चल पड़े नहाने के लिए। और यहाँ पे नहा धो के आने के बाद मैंने थोड़ा सा किया स्किन केयर। तो स्किन केयर करने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ी ज़्यादा सुंदर हो चुकी हूँ, उसकी वजह से मैंने बहुत सारे स्नैप्स अपने स्नैप में भेज दिया। हाँ, स्पॉटलाइट मैंने कवर कर लिया, ओह माय गॉड सो मेनी थिंग्स आई डिड। फिर इसके बाद भैया ने बोला कि चल रेडी हो जा, हमें थोड़ा सा शॉपिंग करने जाना है, पता नहीं उसको कुछ लेना था। और मैं गई थी दो चीज़ लेने के लिए, और यहाँ पे सोनू बोनू को कोई बाइक करते हुए, और ऊपर दो बहन थी छत पे, तो उन लोगों को भी बाइक करते हुए मैं चली गई थी भाई के साथ एकदम सेलिब्रिटी तरह। तो मैं जो गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, मैं क्यों गई थी, वो दो चीज़ देख अगर आप लोग देखोगे ना हैरान हो जाओगे। और बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी थीमेटिक पूजा होती है अगरतला में, क्योंकि कोलकाता के बाद नेक्स्ट अच्छा पूजा अगरतला में देखने को मिलता है। यहाँ पे आदियोगी का जो थीम है वो देखने को मिला, उसके बाद बहुत सारे थीम्स, यहाँ पे पूरा शहर सजाया जाता है दुर्गा पूजा के लिए, विच इज़ वेरी नाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पर एक चीज़ जो अगरतला के बारे में कहना चाहूँगी, यहाँ के लोग ना बहुत नैरो माइंडेड है। हाँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रही हूँ, बट हाँ वो लोग है। फिर यहाँ पे जो हमारी जो मायापुर है ना, मायापुर की इश्कॉन, उसको भी थीम बनाया गया है। एंड देन ये देखो पूरा शहर सज चुका है, और ये लाइटिंग्स मुझे रात को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं रोज़ निकलती हूँ। और ये है मेरी दो अनमोल चीज़ जिसके लिए मैं आज मार्केट आई हूँ, टाउन आई हूँ। तो भैया बोल रहे थे कि सिर्फ एक दो चीज़ लेने के लिए तुमने मुझे इतना भीड़ में घुसेड़ दिया। मैंने बोला कि यार लड़कियों की थी, मैं लड़कियों की थिंग्स है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। इसके बाद मिरर देखते ही मेरा भाई थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो गया, एंड ही वाज जस्ट कंफ्यूज लिटिल बिट कि क्या लेना है क्या नहीं। उसको पसंद तो बहुत आया बट फिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई की कमर और बॉडी का साइज कुछ अलग, मतलब अनमोल है। और यहाँ पे मेरे भैया की पूरी तरह से पतली कमर को शो करते हुए बहुत सारे होल कर लिए थे उसने अपने बेल्ट में। और फिर हम चले गए थे लक्ष्मी बेकरी, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी चीज़ें मिलती है खाने के लिए, और ये मेरा रिसेंट करंट फेवरेट समोसा है। फिर इसके बाद हम दोनों ने मुंह उठा के चले गए थे एक ऐसी जगह जहाँ पे हम जैसे गरीबों के लिए बजट फ्रेंडली खाना आसानी से मिल जाता है। तो हम चले गए थे नन अदर डोमिनोज पे 99 का सेल लगा हुआ था दुर्गा पूजा की वजह से। तो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सप्लोर। और मेरे भैया ने दो लड़की को कैप्चर करते हुए मेरे कैमरे की धजिया उड़ा दिया था। उसके बाद आ चुका था हमारा पिज़्ज़ा, और आप लोग सोचोगे कि दो लोग एक पिज़्ज़ा, हाँ भाई मेरे भाई ने ऑलरेडी बिरयानी खा लिया था,
और मुझे घर आके खाना था गाढ़ोई का जो पका हुआ चीज है वो। उसको खाने के बाद हम चले गए थे फिर एक पंडाल देखने के लिए, और ये वाला पंडाल है ना वृंदावन के किसी एक मंदिर का पंडाल है। तो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे पंडाल की जो कॉम्पिटिशन है बहुत हाई लेवल की है ब्रो। और यहाँ पे मैंने एक चीज और देखा, मैंने कहीं भी नहीं देखा, ये जो पूजा के टाइम पे जो मेला लगता है ना ये सिर्फ मैंने यहाँ पे ही देखा। ऑनेस्टली मैंने ज्यादा पूजा घूमा भी नहीं, बट वीडियोस पे आता है तो मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब एंटरटेनमेंट की भी कमी नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद मुझे पूरी तरह से टाउन से आने के बाद मुझे याद आया कि यार मुझे बहन के लिए क्रीम लेना था, और जो क्रीम नॉर्मली किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये है ना पूरा रेयर एडिशन है। फिर हमने बहुत सारे दुकान घूमे भी पर नहीं मिले, उसी तरह से निराश होके हम चले गए थे घर। और घर आने के बाद मैं ना थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, फ्रेश होने के बाद सोनू बोनू और चयंतिका को लेके गई थी दुकान। पता नहीं इसको इन दोनों को लगी थी सर्दी, पर चयंतिका को खाना था स्ट्रिंग पहने, पर मैंने बहुत सारी उसको डांटा भी पर कोई काम नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे पूजा का वाइब पूरी तरह से शुरू हो चुका था क्योंकि लाइटिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पूजा। फिर यहाँ पे थैली उठाते हुए मेरी बहन पहले चल रही थी, और मैं और हमारे जो सोनू बोनू है जिसकी ओरिजिनल नाम है श्रीजोनी, हम दोनों पता नहीं कुछ बेस्ट फ्रेंड गोल्स करते क्योंकि आजकल मैं इसकी सहेली बन चुकी हूँ। फिर उसके बाद शाम पूरा सा ढल गया था, और काकेमोन ने मुझे कहा था कि उसका गाढ़ोई का दिया लगाना होता है, हमारे यहाँ पे भी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ चयंतिका कुछ अलग ही भूत चढ़ गई थी, नाटक कर रही थी। तो नाटक करने के बाद हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे थोड़ी सी घूमने के लिए जहाँ यहाँ पे फेमस है कॉलेज टीरा, जहाँ पे लोग नॉर्मली जाते हैं। और यहाँ पे काकुमोनी चाय के कप लेते हुए मेरे साथ डांस कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी तरह से हम रेडी हो चुके थे और ऑटो भी मिल गई थी बहुत जल्द क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ पे मुझे दोनों बहनों का साथ मिल गया था, ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं अलोन हूँ या फिर कुछ भी, मैं घर को मिस कर रही हूँ। तो हाँ एक पॉइंट पे मैं घर को मिस कर रही थी, बट इन लोगों के साथ जब जाती हूँ अच्छा लगता है मुझे। तो इसी तरह से हम पहुँच गए थे कॉलेज टीला। कॉलेज टीला में बेसिकली मुझे आजकल जाना बहुत पसंद है, मतलब शाम का जो मतलब व्यू होता है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। फिर इन दोनों का तो गॉसिप शुरू हो चुका था, ये लोग गए थे मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए। इन लोगों को बेसिकली मेरे टाइप का लड़का मिला नहीं। फिर हम दोनों ने मेरा डुअल कैमरा एक्सप्लोर करते हुए एक लड़के को नोटिस किया, शायद आप लोगों ने भी किया, जिन लोगों ने किया प्लीज़ लेट मी नो। फिर हमने खाई थी, पी ली थी चाय एंड देन मोमो जो कि बहुत अच्छा था, और हमने ना बहुत सारी प्लेट खा ली थी मोमो की। फिर इसी तरह से हम चल पड़े थे घर। घर आने से पहले एक इंसिडेंट हुआ जो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो तब तक के लिए अच्छे रहे, हेल्दी रहे, दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए क्योंकि दुर्गा पूजा नियर में ही है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। एंड तब तक के लिए सब लोगों को बाय।